मैं कैसे ये बात बताऊं, जैसे आप जानते हैं आजकल बाई आ नहीं रही है। मैंने बस सुबह अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया पोछा लगाने के लिए, उसने मेरे से इतना गंदा बदला लिया। उसने मुझे रूम में बंद करके मुझे राधे मूवी देखने पे मजबूर किया। मैं बता नहीं सकती कि मेरे पे क्या गुजर रही है। मैं किसी से बस शेयर नहीं कर सकती। मैंने अपने जिन जिन दोस्तों को बताया कि मैंने राधे मूवी देखी है, उन्होंने मुझे ग्रुप से बाहर कर दिया है। मुझे कोई नहीं मिल रहा जिनसे मैं जाके ये शेयर करूँ, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मतलब क्या मूवी थी वो, क्या मूवी थी। एक तो मेरे हस्बैंड के पास अपना Zee5 का पासवर्ड भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से पासवर्ड मांग के लाया और मुझे ज़बरदस्ती वो मूवी दिखाई। स्टार्ट होते ही वो मूवी में भाई कांच तोड़ के अंदर घुस आते हैं। भाई पता नहीं कौन से फ्लोर के अचानक कांच तोड़ के अंदर घुस आते हैं और उनको कुछ होता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो मार्वल में क्यों नहीं जाते, वो DC में क्यों नहीं जाते, वो यहाँ कर क्या रहे हैं भाई? और भाई देखते देखते 150 लोगों को तो ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। आई डोंट नो कि कंट्रीज आर्मी पे इतना स्पेंड क्यों करती हैं। वो भाई को ही क्यों नहीं लेके आती हैं, भाई क्यों नहीं चले जाते हैं लड़ने के लिए। क्या मूवी थी। जैकी श्रॉफ के साथ क्या इतना बुरा हो रहा है कि उन्हें अपनी बेटी की उम्र के बच्चे के कपड़े पहन के नाचना पड़ गया। मैं सोचू एक पिटीशन फाइल करूं जिससे उनके पास पैसा जाए और उनको कपड़े मिले। एंड सलमान, मैं देख भी नहीं पा रही थी कि उन्हें खड़ा कर दिया और उन पे टाइगर श्रॉफ की बॉडी लगा दी। एंड उनके बेटी की उम्र की बच्ची वो खुश थी वो बॉडी देख के। वो टाइगर की सिर्फ बॉडी थी, वो टाइगर नहीं था। उसको फर्क ही नहीं समझ में आ रहा था टाइगर श्रॉफ और भाई में। सिर्फ एक एक बंदा था जिसकी वजह से मैं थोड़ा मूवी झेल पा रही थी, रणदीप हुड्डा। पर उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, उसके कुछ ज़्यादा डायलॉग ही नहीं दिए, बट एटलीस्ट मैं उसको देख तो पा रही थी। अचानक से हेलीकॉप्टर जा रहा है, कार आ जाती है, कार हेलीकॉप्टर में घुस जाती है। कैसे हो रहा था ये सब, कैसे हो रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सैनिटाइजर कहाँ है मेरा? जब से मूवी देखी है मेरी पता नहीं आँखों में पता नहीं क्या हो रहा है। गाइस प्लीज़, आई नीड योर हेल्प प्लीज़।